हेलो दोस्तों, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को मेरा इस वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। अभी सीधे आ जाएंगे मेन टॉपिक पे। आज हम लोग बात करेंगे बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड के बारे में, ठीक है। तो ये शेयर आपका पिछले दिन क्लोज हुआ था लगभग 838 पे, और आपका उस दिन हाई गया था 856.90 पे, लो गया था 830.95 पे। फिनस्टार ने इस कंपनी को 4 out of 5 का रेटिंग दिया, जो बहुत ही अच्छा है। ये एक बड़ा मार्केट कैपिटल वाला कंपनी है। इसका टोटल मार्केट कैपिटल है आपका 81,481.94 करोड़, और कंपनी के ऊपर अभी आपका डेप्थ है 155.44 करोड़। मतलब इसका जो डेप्थ इक्विटी रेशियो आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.05। किसी भी कंपनी का अगर डेप्थ इक्विटी रेशियो 1 से कम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, यहाँ पे 1 से बहुत ही कम है। और इसका जो कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो वो आपका है 1.03। किसी भी कंपनी का अगर कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो 1 से ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, यहाँ पे 1 से बहुत ही ज्यादा है। और प्रमोटर्स का होल्डिंग है इस कंपनी में आपका 74.99%, जो बहुत ही एक अच्छा नंबर है। और उसमें भी अच्छा है कि जो 74.99% है इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी है आपका 23.08%, जो अच्छा है। आरओसीई आपका है 30.30%, ये भी बहुत अच्छा है। अभी हम लोग सीधे चले जाएंगे चार्ट पे। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग बिना इंडिकेटर वाला चार्ट देखेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने बिना इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट ओपन कर लिया है। आपको चार्ट देखने से पता चलेगा कि ना कि अप ट्रेंड में है ना कि डाउन ट्रेंड में है, ये एक रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेडिंग करना सही नहीं होता, लेकिन वो रूल्स जो है मेनली आपका एप्लीकेबल है डे ट्रेडर के लिए, लेकिन हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए चार्ट देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट भी देख लेंगे। देखिए इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट में यहाँ पे आपका सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल दिया, तब से शेयर यहाँ पे लगातार थोड़ा बहुत गिरा, लेकिन अभी 2 दिन से शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है। और अच्छी बात इस शेयर का अभी ये है कि देखिए यहाँ पे आपका RSI जस्ट 60 को टच किया, नहीं तो करने वाला होगा, ठीक है। लगभग एक मिनट एग्जैक्ट देख लेता हूं RSI का लेवल कितना। RSI का लेवल है 58-59, मतलब 60 को टच करने ही वाला होगा। और MACD भी देखिए आपका 0 पॉइंट से ऊपर है, मतलब डे चार्ट में हम लोगों को स्ट्रांग दिख रहा है, लेकिन उतना भी अच्छा स्ट्रांग नहीं दिख रहा है, लेकिन ठीक है, खराब भी नहीं है, अपन निगेटिव नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ डे चार्ट देख के तो डिसीजन नहीं लेंगे, हम लोग अभी क्या करेंगे थोड़ा सा इसका वीकली चार्ट भी देख लेंगे, उसके बाद इसका मंथली चार्ट भी देखेंगे। देखिए इसका वीकली चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, जब मैं हम लोगों ने इसका डेली चार्ट देखे थे तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे, एक रेंज में ये शेयर ट्रेड कर रहा है, मतलब ये अप ट्रेंड भी नहीं है डाउन ट्रेंड भी नहीं। लेकिन अगर वीकली चार्ट देखेंगे तो क्लियरली हम लोगों को पता चलेगा कि ये शेयर कंप्लीटली आपका अप ट्रेंड में है। देखिए ये शेयर आपका लो गया था मार्च 2020 में लगभग 409-410 के करीब, तब से ये शेयर लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट भी देख लेंगे। देखिए इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट में आपका 4 हफ्ता पहले यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल दिया, लेकिन तब से एक रेंज में ये शेयर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अच्छी बात ये है कि देखिए इसका जो RSI का लेवल है वो आपका 60 को टच कर गया है लगभग, और MACD 0 पॉइंट से ऊपर है, लेकिन लगातार 2 वीक से नीचे की तरफ ही ये आपके ग्रीन कैंडल बना रहा है, मतलब MACD भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। और एक अच्छी बात है कि इस शेयर अभी जिस आपका प्राइस पर ट्रेड कर रहा है वो प्राइस आपका 100 डेज 250 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर है, और एक अप ट्रेंड तो हम लोगों को क्लियरली दिखाई पड़ा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका मंथली चार्ट देखेंगे, उसके बाद फाइनल डिसीजन लेंगे। अभी देखिए मैंने इस शेयर के आपका मंथली चार्ट भी ओपन कर लिया बिना इंडिकेटर वाला लगा हुआ, इसमें बताने लायक कुछ नहीं है क्योंकि शेयर क्लियरली आप लोगों को अप ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है। सीधे हम लोग चले जाएंगे आपका इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट में। देखिए इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट में जस्ट 4 महीने पहले यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल दिया था, तब से लेकिन शेयर उसके बाद वाला महीने से थोड़ा बहुत गिरा, लेकिन इस महीने शेयर फिर से आपका तेजी पकड़ लिया है और शेयर ऊपर जाने की आपका कोशिश कर रहा है। MACD तो आपका 0 पॉइंट से ऊपर है ही, RSI भी आपका अबव 60, और इस शेयर का जो प्राइस है वो आपका 100 डेज 200 डेज 150 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर है। तो मेरे हिसाब से अगर इसी प्राइस में अगर लगभग ये शेयर खरीदा जाए तो ये शेयर आपका 7-8 महीने के अंदर आपका लगभग आपका 1020 का जो लेवल है उसको टच कर जाएगा। लेकिन कुछ भी आपका एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर उससे एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं, ना कि मैं कोई यहाँ पे टिप देता हूं। मेरा जितना फंडामेंटल टेक्निकल का नॉलेज है उसके ऊपर वीडियो बना के आप लोगों को जस्ट इन्फॉर्म करता हूं कि कौन सा शेयर फंडामेंटली एंड टेक्निकली कैसा है। और मेरे हिसाब से ये शेयर 8-9 महीने के अंदर आपका 1020 का लेवल टच करना चाहिए। धन्यवाद।